हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर सेशन एक बार स्टार्ट करते हैं मुझे बता दीजिए कि आप लोग को वॉइस अच्छे से यहाँ पे ऑडिबल है ताकि हम लोग ऑल शिफ्ट तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर सके और टोटल सेवेंटी फाइव क्वेश्चन हमारे पास है तो सभी क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे जस्ट एक बार ये काम कीजिए कि इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए सो दैट एवरीबडी ज्वाइंस यर लाइफ इथ अस ओके सो ऑल गुड फाइन लेट्स बिगिन विद द सेशन सबसे पहले यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ एक बात के साथ कि आपका जो पहला शिफ्ट था दूसरा जो आपका शिफ्ट था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था गैरफील्ड एवॉर्ड के बारे में तो उसमें एक करेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा कि बैन स्ट्रोक्स को आपका ये जो गर्फील्ड एवॉर्ड है वो आपका बैन स्ट्रोक्स को मिला ठीक है तो इसको मैंने सबसे पहले यहाँ पे रखा अब हम लोग सेशन में आगे चलते हैं हिस्ट्री uh, से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं इसी तरीके से तीनों शिफ्ट के हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स और कंप्यूटर्स जिसको आप इस बार बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो तो इस सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे ठीक है क्वेश्चन पूछा गया थर्ड शिफ्ट में कि पिकासो जो है वो किससे जुड़े हुए हैं प्लेबो पिकासो तो वो स्पेनिश पेंटर है ठीक है बेलूर मठ से एक आपका क्वेश्चन पूछा गया तो बेलूर मठ किन्ष्णा मठ आपको पूछा जा सकता है रामकृष्ण मिशन आपको पूछा जा सकता है तो किससे किन्होंने इसको बनाया तो स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद के गुरु जो थे वो थे आपके रामकृष्ण परमहंस नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है बैटल ऑफ बक्सर कौन से साल को हुआ था तो बैटल ऑफ बक्सर जो है आपका 1764 को हुआ था ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं इवन विद इन दी एच एस एल एंड फ्रॉम सी जी एल टू सी एच एस एल गुड इवनिंग जीवन गुड इवनिंग एवरी वन नेक्स्ट आपको क्वेश्चन एक यहाँ पे पूछा गया बैटल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में फिर से आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है 1905 में हुआ किसने ये श्राप दिया था किसने कर्ज दिया था कर्जन ने ये कर्ज आपका दिया था तो ये रहे आपके क्वेश्चन फ्रॉम दर्ड शिफ्ट अब यहां पे ये देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है बैटल ऑफ आपका बंगाल के पार्टीशन से आपका क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक और यहाँ पे जो बना रहा वो क्राउन रूल के बारे में फिर से क्वेश्चन पूछा कि क्राउन रूल भारत में फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है कब लागू हुआ था तो आप सभी लोग को पता होगा 1857 के बाद 1858 में भारत में क्राउन रूल लागू हुआ था एक और क्वेश्चन था अल बरूनी अल बरूनी किसके साथ भारत में आए थे तो वो गजनविस के साथ भारत में आए थे ये आपके टोटल तीनों शिफ्ट के हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे अब चलिए हम लोग देखते हैं टोटल तीनों शिफ्ट के एक और क्वेश्चन आपको पगोड़ा से पूछा गया तो अगर आपको रूमटेक मोनेस्ट्री पूछा गया था तो इसका आंसर उसका आंसर आपका सिक्किम था अगर आपको रूमटेक मोनेस्ट्री पूछा गया था तो नहीं तो अगर आपको पीस पगोडा सिर्फ पूछा गया था तो फिर आंसर दार्जिलिंग था और अगर विश्व शांति स्तूपा वर्ल्ड पीस पगोड़ा पूछा गया तो फिर रत्नागिरी हिल्स ठीक है ग्लोबल विपाशना पगोड़ा कहाँ पे है आने वाले शब्द के लिए ध्यान रखिएगा मुंबई में दीक्षा भूमि स्तूपा नागपुर में है और बुद्ध स्मृति पार्क जो है ये आपका पटना में है ये आपको ध्यान रखना है आने वाले शिफ्ट के लिए एक और क्वेश्चन जो आपका हिस्ट्री से सेकेंड शिफ्ट में रहा वो ये था कि नाइनटीन में हमें जब आजादी मिला था उस वक्त ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर कौन थे तो बड़े ही आपका सिंपल सा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है क्लेमेंट एटली राइट सो दीज वेदर क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री अब आते हैं जोग्रफी के क्वेश्चन की तरफ पहले हम लोग थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हैं सीजीएल के अंदर पूछा था कि उत्तरायण फेस्टिवल आपका कहाँ पे होता है तो उत्तरन फेस्टिवल एक है और दूसरा उत्तरायण एक फेस्टिवल है तो ध्यान से देखना है आपको क्या पूछा गया था तो ये आपका गुजरात के अंदर गुजरात के अंदर मकर संक्रांति को क्या बोलते हैं तो सेम क्वेश्चन है मकर संक्रांति इन गुजरात जहां पे आप लोग पतंग उड़ाते हैं ठीक है थीके? दूसरा अगर आपको उत्तरायण पूछे तब उसका आंसर आपका उत्तराखंड था नेक्स्ट आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में जो पूछा वो है माउंट एवरेस्ट के बारे में कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कहाँ से की जाती है तो दो रूट्स इसके लिए आपके हैं आप नेपाल से भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर सकते हैं और चाइना से भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर सकते हैं हालांकि अगर अन्नपूर्णा अन्नपूर्णाफ कुछ ऐसे हिल्स भी है जहाँ नेपाल को पूजा जाता है जैसे माउंट एवरेस्ट को तो आप सागर माथा बोलते हो वहाँ पे सागर माथा तो यहाँ से क्लाइम करना अलाउड है लेकिन कुछ माउंटेन रेंजेस है जहाँ से क्लाइम करना अलाउड नहीं है क्योंकि वो रिलीजियस उसको मानते हैं अगेन हिमालयस का अगर आप एलिवेशन uh, देखें तो यहाँ से ज़्यादा है इंडिया की तरफ से तो इसीलिए नेपाल की तरफ से चढ़ाई ज़्यादा आपका किया जाता है एक क्वेश्चन आपका और जो यहाँ से रहा थर्ड uh, शिफ्ट में दैट इज़ योर दिलवरा टेम्पल कहाँ पर है दिलवरा जैन टेम्पल तो दिलवरा जैन टेम्पल आपका माउंट आबू में है ये हम लोग हिस्ट्री में ही पढ़ लेते हैं तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका ये है बेसिकली ये आपका माउंट आबू में है ये आपका राजस्थान में है ठीक है नेक्स्ट आपको पूछा गया एक क्वेश्चन लोकेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लान से जो आपका कुंडन कलम प्रोजेक्ट जो आपका है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आपका ये कहाँ पे है तो तमिलनाडु में है और ये रशिया के मदद से बनाया गया था कौन से देश के मदद से बनाया था रशिया के मदद से बनाया गया था दीज वेदर क्वेश्चन फ्रॉम थर्ड शिफ्ट एक और क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट था कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां से होता है सो वी ऑल स्टडी वैसे हम लोग थोड़ा सा इसको गलत स्टडी करते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट बट क्योंकि दिखता ऐसा है तो बिल्कुल चलो कोई बात नहीं तो सनराइज इन द ईस्ट तो यहाँ पे हमारे ईस्ट में कौन से कंट्री है अरुणाचल प्रदेश ध्यान दीजिएगा नॉर्थ ईस्ट से एक क्वेश्चन आपको बन रहा है लगातार जैसे कल के शिष्ट में भी आपको क्वेश्चंस पूछे थे आज भी आपको यहाँ पे फिर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं ठीक है फर्स्ट सनराइज अरुणाचल प्रदेश एग्जैक्टली डोंग अगर आपको ऑप्शन में रहा तो और बढ़िया है यहां से अगर वर्ल्ड लेवल में है तो जापान द राइजिंग सन का प्लेस जो है वो है आपका जापान ज्योग्राफी से और क्वेश्चन है आपके ओल्डेस्ट रेंज कौन से हैं इंडिया में तो अरावलीज अरावलीज जो है इंडिया में ओल्डेस्ट रेंज है अभी प्लेट्यू का आपका प्लेट्यूज आप इनको कह सकते हो राजस्थान में प्रोमिनेंट है नहीं तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये एक्सटेंड होते हैं सांबर लेक कहां पे है ये पूछा गया तो राजस्थान में है हाईएस्ट या फिर आपकर आपको पूछे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक तो उसका आंसर आपका क्या होता है नॉर्मल अगर सिर्फ लार्जेस्ट लेक भी पूछे तब आपका चिल्का आंसर होता है और सांबर लेक जो है ये आपका राजस्थान में है ये आपके क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से फिर आपको फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट योर वेव्स के ऊपर एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अप एंड डाउन अगर दिन में ट्वाइस ये वेव्स होते हैं तो हम इनको कहते हैं सेमी डायरियनल वेव्स सेमी डायरियनल वेव्स हम इनको कहते हैं ये क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से पूछा गया था ठीक है और क्वेश्चंस देखते हैं खरीफ क्रॉप से क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से कॉटन आपका सही आंसर था कॉटन एक आपका खरीफ क्रॉप है गर्मियों में आप चावल खाते तो चावल भी साथ में याद रखिएगा रबी क्रॉप्स में वीट ग्राम पी और बाली सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट रिवर्स पूछा गया था बे ऑफ बंगाल में कौन ड्रेन करता है तो अगेन सिंपल इजी क्वेश्चंस आपका यहाँ से गंगा ले लीजिए यहाँ से ब्रह्मपुत्र ले लीजिए जो मिलके गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरबड़ डेल्टा भी बनाएगा फिर यहाँ से महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी ले लीजिए ये सारे जो है आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर है यानी कि बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में ये गिरेंगे अगर आप इधर वेस्ट फ्लोइंग रिवर को देखें तो नर्मदा है ताप्ती है जिन्हें आपको ध्यान रखना है उसके आगे साबरमती और माही भी आप ध्यान रख सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं लूनी जो है वो इनलैंड है तो वो लूनी आपका इनलैंड है वो राजस्थान में ही खत्म हो जाता है आपका वो जो है अरेबियन सी तक नहीं आ पाता है नेक्स्ट ज्योग्राफी से एक और क्वेश्चन रहा कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ दी अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं आप रिक्टर स्केल का यूज करते हैं मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए नहीं अगर होता ऑप्शन में तब आप सेस्मोग्राफ कर सकते थे क्योंकि आप प्लॉट करके आगे उससे सेस्मोग्राफ बनाते हो एक्सपेक्टेड टॉपिक विपिन क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ एनालिस को भी देखते जाओ और अपने प्रिपरेशन को पहले के जैसा ही रखो देन यू विल डू रियली गुड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि दुमहल डांस फॉर्म जो है कहां का डांस फॉर्म है दुमहल आपका जम्मू एंड कश्मीर का डांस फॉर्म है अब आता है पॉलिटी के क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले देखते हैं थर्ड शिफ्ट में आपको क्या क्या पूछा गया भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे तो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे मौलाना अबुल कलाम आजाद राइट फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेक्स्ट एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा फादर ऑफ द नेशन मेरे को बताने का जरूरत नहीं है आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा फादर ऑफ द नेशन कौन है हमारे नेक्स्ट आपको पूछा गया कि जिस तरीके से सेंटर में हेड होते हैं प्रेसिडेंट उसी तरीके से या फिर ओवरऑल आपके जो डिजॉर हेड है है, होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं तो स्टेट में ये इनके काउंटर पार्ट कौन होते हैं या फिर स्टेट के हेड कौन होते हैं तो उसी तरीके से गवर्नर जो है वो स्टेट के हेड होते हैं फिर कुछ लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट में कहा था कि गवर्नर से रिलेटेड आपका आर्टिकल भी आ, पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर सो आई एम नॉट श्योर इफ दैट वॉज आस्ट और नॉट पर मैंने उसको इंक्लूड किया था नेक्स्ट आपका यहाँ से एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे बना तीन क्वेश्चन बस ये क्वेश्चन आपके बने थे ये तीन क्वेश्चन आपके बने थे पॉलिटिक्स और थर्ड शिफ्ट के अंदर फिर आपको सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो शुरू होता है यह कौन से हाउस से स्टार्ट होता है इट कैन स्टार्ट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट 14 डेज का एक नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को और जो भी हाउस इसे स्टार्ट करेगा उसको वन फोर्थ सिग्नेचर्स पहले लेके आने पड़ेंगे और लास्ट में जाके फिर स्पेशल मेजोरिटी होगा तो ईधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से यह आपका शुरू हो सकता है अगर आने वाले शेफ में अपॉइंटमेंट पूछे तो ध्यान रखिएगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ दाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट माने की लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ़ में स्टेट लेजिस्टिव असेंबली मतलब जहां पे बाई कैमरल है लेजिस्टिव असेंब्ली और लेजिटिव काउंसिल दोनों हैं लेजिलेटिव काउंसिल नहीं हिस्सा लेंगे सिर्फ लेजिलेटिव असेंबली हिस्सा लेंगे एंड दी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना था ध्यान रखना है आने वाले शख्स के लिए नेक्स्ट आगे चलते हैं तेलंगाना कब बना था शिफ्ट का क्वेश्चन था ये जून 2014 में तेलंगाना बना था लक्षद्वीप कौन से स्टेट के जुडिस्ट्रिक्शन के अंदर आता है तो लक्षद्वीप आपका केरला के जुडिस्ट्रिक्शन के अंदर आता है ठीक है नेक्स्ट आते हैं अच्छा ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा क्योंकि दिन में आई ट्राइड टू कवर इट रियली फास्ट तो मैंने इसको एज इट इज पढ़ लिया था कि ओम प्रकाश जो है वो कोटा एमपी से है तो यहाँ पे कोटा के मेंबर ऑफ़ दी पार्लियामेंट के बारे में यहाँ पे बात किया गया आप सभी लोगों को पता है कोटा जो स्टूडेंट हब है आईआईटी के लिए बच्चे प्रिपेयर करने जाते हैं वो कहाँ पे है राजस्थान में है ठीक है तो वो कोटा राजस्थान से एमपी बने और उसके बाद अभी वो लोकसभा के स्पीकर है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा के अंदर लोकसभा में हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट कौन से स्टेट का है तो ये सेम क्वेश्चन की आपको कल पूछा गया था कि यूपी के कितने सीट्स थे तो आंसर उसका एटी था आज वही क्वेश्चन घुमा के पूछा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स किसके हैं तो यूपी के है हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स एटी सो दीज वे द्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी जो आपको देखने को मिला इसके अलावा फर्स्ट शिफ्ट के दो क्वेश्चंस में आपको और यहाँ पे बताना चाहती हूँ फिनेंशियल इमरजेंसी के बारे में आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था तो इमरजेंसी जब भी आप पढ़ते ऐसे पढ़िए 352 फिफ्टी टू इज फॉर वॉट नेशनल इमरजेंसी प्लस इस पर आप फोर कर दीजिए चार जोड़ दिया कितना हुआ थ्री हो गया ये क्या है ये आपका प्रेसिडेंस रूल है या फिर स्टेट इमरजेंसी प्लस इसमें फिर से चार जोड़ दीजिए कितना हुआ 360 ये आपका क्या है फिनेंशियल इमरजेंसी जो भारत में अब तक नहीं लगा तो आंसर इसका था 360 एक और आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि जो आपका ड्राफ्टिंग कमीशन था ना ड्राफ्टिंग कमिटी ड्राफ्टिंग कमेटी के पहले हेड कौन थे तो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑब्वियसली जब बना ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे दैट वुड बी द करेक्ट क्वेश्चन तो इसके हेड थे आपके बी आर अम्बेडकर बी आर

फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है कौन से पिगमेंट के वजह से होता है यह आपका क्लोरोफिल क्वेश्चन में जो भी था क्लोरोफिल इज द नेम ऑफ द पिगमेंट और जहां ये होता है दैट इज योर क्लोरोप्लास्ट और ऑब्वियसली ग्रीन कलर्ड लीव्स ग्रीन कलर प्लांट में ये होता है तो सारे लाइट बाकी वेवलैंग ये अब्जॉर्ब करता है और ग्रीन को जो है ये रिफ्लेक्ट करता है इसीलिए हमें ये ग्रीन कलर के दिखते हैं इससे फॉर्म क्या होता है ग्लूकोज इससे आपका फॉर्म होता है माने क्या सी सिक्स एच ट्वेल्व फोर सिक्स ठीक है तो जो भी आपको पूछा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड आप यहां से आंसर कर सकते हैं ठीक है क्लोरोफिल के बारे में पूछा है ओके वाटर बिल्कुल चाहिए मिसिलीनियस गाय और उसके साथ सनलाइट भी यहां पे चाहिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया अबाउट दी एन सोडियम के बारे में आपको पूछा गया है सोडियम क्लोराइड के बारे में सोडियम क्लोराइड के बारे में आपको पूछा गया है तो सोडियम क्लोराइड क्या है एनए जो आपका नॉर्मल कॉमन सॉल्ट होता है टेबल सॉल्ट होता है और सी वाटर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है तो सोडियम आपका सी वाटर में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड आपका सी वाटर में पाया जाता है एनए सी एल दट इज द नॉर्मल सॉल्ट ठीक है सिर्फ अगर सोडियम हाँ तो वो क्या हो जाएगा सिर्फ सोडियम अगर एज इट इज तो ये एक आपका ऐसा एल्कली अर्थ मेटल जो कि आपका विथ द वेरी मिनिमम ऑफ मॉइस्चर इट विल कैच फायर एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी सॉफ्ट यू कैन से मेटल तो ये फायर कैच कर लेगा इसीलिए इसको कैरोसिन में रखना पड़ता है ठीक टेम्परेचर के बारे में साइंस से और जो आपको क्वेश्चन पूछा गया थर्ड शेफ्ट में टेम्परेचर का ऐसा यूनिट पूछा गया तो कैलविन है आप सबको पता होगा डिग्री सेल्सियस नहीं है और एक आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज एज अ पेन रिलीफ ऑप्शन है ना तो आप लोग जो भी फॉर एग्जाम्पल वॉलिनी वगैरह यूज करते हैं तो ये सब क्या होता है ये पेन रिलीफ ड्रग होता है जो आप अप्लाई करते हो सो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो नेक्स्ट नेक्स्ट अगर शिफ्ट के क्वेश्चन में जहां आपको पूछा गया था फ्लू किस लिए होता है जो कॉमन कॉफ एंड फ्लू होता है तो वायरल के वजह से होता है ये वायरल डिजीज आपका होता है कॉमन फ्लू एक क्वेश्चन आपको सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था साइंस कांग्रेस के बारे में तो थीम ऑफ दी साइंस कांग्रेस जो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट दिस वॉज द थीम तो वट वॉज क्वेश्चन बेस्ड ऑन दट यू हैव टू गिव दी आंसर टू दिस अब आते हैं हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के ऊपर फर्स्ट शिफ्ट में आपको पूछा गया पिस्सी कल्चर पीसी कल्चर आप लोगों ने सुना होगा किससे रिलेटेड है तो मछली पालन से ये रिलेटेड है फिश कल्टिवेशन से रिलेटेड है यूरेनियम मैक्सिमम कहां पर पाया जाता है यूरेनियम तो कजाकस्तान कजाकस्तान से सबसे ज्यादा यूरेनियम बनता है।, है रिजर्व यूएस के पास भी बट वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है तो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर अभी है, कजाकस्तान कर रहा है इसके अलावा अगर आपको इंडिया में पूछे तो फिर आंध्र प्रदेश में आपका यूरेनियम माइन है तो यहाँ पे ये ध्यान दे देना था कि आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि आइंस्टाइन आइंस्टाइन को जो आपका नोबेल प्राइज मिला जब जब हम लोगों ने डिस्कवरी पढ़ा है तब तब मैंने ये डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि इक्वल्स टू एमसी सी स्क्वेयर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आपका आइंस्टाइन को नोबल प्राइज मिला फिर डायनामाइट का खोज डायनामाइट का खोज किसने किया है तो डायनामाइट इज योर बाय एल्फ्रेड नोबल एल्फ्रेड नोबल ने आपका डायनामाइट का खोज किया है ये आपको क्वेश्चन पूछे गए फिर आपका क्वेश्चन रहा अच्छा साइंस से और आपके क्वेश्चन यहाँ पे बचे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटो कौन सा प्रोटोजोवन डिजीज है प्रोटोजोआ कौन सा डिजीज को कॉज करता है तो ऑप्शंस में से काला अजार पे ब्लैक फीवर लेशमेनिया दोनों वानी काला अजार ब्लैक फीवर काला ज्वर पे आपको टिक करना था कि ये एक प्रोटोजोवन डिजीज है ये आपके थे साइंस के क्वेश्चंस ठीक है आगे चलते हैं अभी हम लोग लेटे कम टू द इकोनॉमिक्स क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग आते हैं थर्ड शिफ्ट में शायद इकोनॉमी से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया था तो सेकेंड शिफ्ट में देख लेते हैं शिफ्ट में आपको पूछा गया था आरबीआई का कब हुआ था 1949 को एडम स्मिथ के बुक के ऊपर पूछा गया द वेल्थ ऑफ नेशन वाज द बुक बाय एडम स्मिथ इसके अलावा अब आते हैं फर्स्ट शिफ्ट में जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए आरबीआई के रिसेंट गवर्नर किन है तो देवव्रत पात्रा सबसे लेटेस्ट में जो है आरबीआई के गवर्नर बने नेक्स्ट आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में पूछा गया तो आप सभी लोगों ने सिविल स्कोर के बारे में तो सुना होगा सिविल स्कोर एक बैंक से पैसे लिए फिर दूसरे में कैसे पता लगेगा सिविल स्कोर से पता लगता है ठीक है नेक्स्ट आपको ये इकोनॉमिक से ये क्वेश्चंस आपको फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे अब आते हैं कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर से कितने क्वेश्चंस आपको पूछे गए फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में करंट अफेयर्स के काफी क्वेश्चन रहे थर्ड शिफ्ट में करंट अफेयर्स से थोड़े कम क्वेश्चन रहे पहले थर्ड शिफ्ट के देख लेते हैं सीपीयू से आपको क्वेश्चन पूछा कि सीपीयू कंप्यूटर का कौन सा पार्ट होता है तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन से पार्ट को कहते हैं सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आप कंप्यूटर के ब्रेन भी कह सकते हैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया अबाउट दी फायर वॉल क्या होता है फायर वॉल फायर वॉल हम लोग अगर आपका फायर वॉल ऑन है तो इसको ऑफ कीजिए कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट करने में तो ये आप इसे एज अ प्रोटेक्टर टू द सिस्टम एज लाइक एन एंटी वायरस और यू कैन से टू स्टॉप द अनवांटेड थिंग्स यू कैन यूज दिस सो दिस इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर विच इज विच इज वॉट इट इज वर्किंग एज एन एंटी वायरस ठीक है तो इस तरीके से ये आपका काम करता है फायर वॉल ठीक ये रहे आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस फ्रॉम द थर्ड शिफ्ट इसके अलावा सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था साइज ऑफ द कंप्यूटर आप कैसे पता करते हैं तो किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट और टेराबाइट दैट इज ए टीबी हार्ड डिस्क तो इस तरीके से आप पता करते हैं साइज ऑफ द कंप्यूटर राइट अब आते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के ऊपर फर्स्ट शिफ्ट में आपको पूछा गया था वन जीबी में कितने एमबी होते हैं तो वन जीरो टू फोर एम होते हैं वन जीबी में और हार्ड डिस्क क्या होता है हार्ड डिस्क इज अ स्टोरिंग डिवाइस हार्ड डिस्क जो है ये आप स्टोरेज के लिए इसको यूज करते हो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यूज कर सकते हो और खरीदते वक्त भी आपको अपने कंप्यूटर के साथ हार्ड डिस्क जरूर मिलता है अब आते हैं इनबिल्ड मतलब आपका होता है फिर फॉर्मेट वगैरह करना हो रिपेयर के लिए देना हो तो आप उसको निकाल सकते हो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आपको पूछा गया एक ग्रैंड मास्टर कौन से ग्रैंड मास्टर कौन से स्पॉट के लिए यूज किया जाता है ये टर्म तो ये चेस के लिए यूज किया जाता है ग्रैंड मास्टर टर्म जो जीता वही ग्रैंड मास्टर ऐसा नेक्स्ट आपको पूछा गया आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के बारे में पूछा गया दिन के शिफ्ट में शिफ्ट में 2019 के लिए पूछा गया था तो इसका आंसर जो है वो है विराट कोहली अगेन ज्यादा डेकोरेशन पे मत जाइए बहुत सिंपल uh, सा यहाँ पे पी डी जैसा बनाया है अच्छा थैंक यू बहुत सिंपल सा इस प्रेजेंटेशन को बनाया है सो आई होप यू फोकस ऑन कंटेंट एंड शेयर इट विथ फ्रेंड्स एस वेल ओके नेक्स्ट आइए हम भी पूछा था क्या फिर से आई डोंट थिंक सो वो आपका सीजीएल के अंदर पूछा गया था ठीक है कर्नाटका में आपका हां पी है तो यहाँ पे आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 जो है विराट कोहली को मिला था इसमें टर्म्स एक बार इसको चेक कर लीजिएगा नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट स्मृति महाराणा तो वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है क्रिकेट से रिलेटेड है एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया को प्रधानमंत्री जी ने कब ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित किया ओपन डिफिकेशन फ्री कब घोषित किया सो नाउ इंडिया इज ओपन डिफिकेशन फ्री ये जो पूरा प्रोग्राम था दिस एवरीथिंग थिंग वॉज टारगेटेड टू द वन फिफ्टीथ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेशन महात्मा गांधी तो तो वो question भी आपको पूछा गया था तो और कब घोषित किया किया अगर ये ये पूछा गया था था तो 2nd October 2019 को को घोषित से ये स्कीम आपका पूरा स्टार्ट था कि हमें इंडिया ओपन डेफिकेशन मुक्त एक देश जो है यहाँ पे बनाना है ये आपके थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन थे जो थोड़े से आपके कम क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट के अंदर आपको पूछा गया फ्रॉम करंट अफेयर्स अब आते हैं सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन आपको जो मैंने तब शिफ्ट के एनालिसिस में इसको इंक्लूड नहीं किया था बाद में मुझे क्वेश्चन आया कमेंट बॉक्स में इसमें इंडिया फिनिशे टॉप ऑफ इसमें सबसे ऊपर कौन है इसमें सबसे ऊपर जो है आपका इंडिया है द फर्स्ट गोल्ड एट रियजिन रियो डिजिनेरियो जो आपका स्पोर्ट्स हुए थे फर्स्ट गोल्ड यहां पे इंडिया को वर्ल्ड कप में के लिए जो है आपको यहाँ पे मिला था नेक्स्ट अगर नाम के हिसाब से क्वेश्चन आया तो फिर आपको ध्यान रखना था इलेवनी वेलेरियन फ्रॉम इंडिया वोन दिन मीटर एयर राइफल वुमेन्स फाइनल एट दी टू थाउजेंड नाइनटीन आई एस एस एफ वर्ल्ड कप इन रियो डी so, question सो on that you have बेस्ड give the answer हैव टू ISSF वर्ल्ड कप अब आते हैं ATP Cup कप किसे मिला ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था तो सर्बिया ने एटीपी कप को जीता है Second शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 award. तो 2019 में ये अवार्ड आपको रोहित शर्मा को मिला है और आईसीसी 2019 स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ये विराट कोहली को मिला राइट तो ये आपको सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था काफी सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि सीजीएल से सीधे रिपीट हुए हैं सीके नायडू एवार्ड जो है ये पूछा नहीं गया था आने वाले शिफ्ट्स के लिए ध्यान रखिएगा कृष्णमाचारी श्रीकांत नेक्स्ट आइए सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि बॉक्सिंग में सबसे ऊपर कौन सा देश है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैनली पासपोर्ट में इंडिया का रैंक कितना है तो 84 है इंडिया का रैंक क्वेश्चन पूछा गया टू मेजर द क्लॉक स्पीड व्हाट डू यू यूज यू यूज हर्ट्स टू मेजर द क्लॉक स्पीड और अगर पूछे कि साइज ऑफ द कंप्यूटर तब आप गिगाबाइट टेराबाइट वगैरह यूज करते हैं नेक्स्ट कौन से कंट्री ने अन इंटेंशनली ही सही बट किसी दूसरे कंट्री के बोइंग क्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो ईरान ने रिसेंटली एडमिट किया है कि यूक्रेन के जो पैसेंजर जेट था जिसमें 176 लोग जो ऑन बोर्ड थे वो पूरे मारे गए थे आफ्टर सम टाइम ऑफ द टेक ऑफ टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद तो ईरान ने इस काम को किया था अनशनली और प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने एक्सेप्ट किया कि ये ह्यूमन एरर है कैन नॉट बी ऑफ कोर्स राइट तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन बना था 2019 थाउजेंड नाइनटीन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंडिया को किसने हराया था कौन से देश ने तो न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था टू थाउजेंड नाइनटीन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन किन्हीं मिला तो ग्रीता थंडरबर्ग जिन्होंने स्कूल छोड़ के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए फाइटिंग ग्रीटा चंद्रबर्ग को यह मिला नेक्स्ट आपका नोबेल पीस प्राइस ये क्वेश्चन लगातार बना हुआ है नोबेल पीस प्राइस किन्हें मिला अभी अहमद अली को मिला वो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर है आज सेकंड शिफ्ट में पूछा कि नेबरिंग कंट्री के साथ डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए उन्हें मिला ना तो नेबरिंग कंट्री कौन सा है तो ऑप्शन में एरिट्रिया था एरिट्रिया योर करेक्ट आंसर वो आपका नेबरिंग कंट्री सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन और फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन के कंपाइलेशन का ये एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है सेम सेशन एंटायर सेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सभी यहाँ से क्वेश्चन को अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ ये रह गया है वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप ये आपका कोरिनू को ये अवार्ड मिला है दादा साहेब फालके अवार्ड अमिताभ बच्चन जी को मिला है और प्लीज़ एशियन गेम्स 2018 जितने लोगों ने भी कमेंट किया पहले तो कमेंट करने से पहले कहीं और अगर कुछ और कमेंट करे उसको हाइड कर लिया करो नहीं तो दिख जाता है कि कहाँ पे क्या कमेंट किया राइट सो दिज आर सम ट्रिक्स विच यू कैन यूज़ इफ़ यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग एंड वेस्टिंग योर टाइम तो एशियन गेम्स इज डिफरेंट फ्रॉम द साउथ एशियन गेम्स 2019 एशियन गेम्स 2018 पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में इंडिया का रैंक कितना था एशियन गेम्स 2018 में तब इसका आंसर क्या है एट है ठीक है और इंडिया ने कितने मेडल्स टोटल जीते थे सिक्सटी नाइन मेडल्स इंडिया ने टोटल जीते थे सीडीएस के बारे में पूछा विपिन रावत दिस वॉज दी मिस्टेक जो मैंने स्टार्टिंग में करेक्ट किया ये एक लौता मिस्टेक आपका हुआ था गैरफील्ड सोवर के बारे में ये अवार्ड आपका कि नहीं मिला तो बेन स्ट्रोक को यह अवार्ड मिला ना कि विराट कोहली को, को। बेन स्ट्रोक को इस एक करेक्शन को बस आपको करना है इसके अलावा खेलो इंडिया गेम्स गुवाहाटी आसाम में हुआ दीज वेर द क्वेश्चन आस्ट इन द फर्स्ट शिफ्ट राइट जिसको हमने ऑलरेडी कवर भी किया है सो देट्स एट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन आई होप यू डिड एन्जॉय दिस सेशन इफ फी एस देन प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल एंड मंथली करंट अफेयर्स वीडियो बिल्कुल आपको मिलते रहेंगे एंड माई लास्ट सजेशन टू ऑल ऑफ यू हु हुर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन जीएस बहुत आसान आ रहा है सबसे आसान कल का सेकेंड शिफ्ट में पचास के पचास क्वेश्चन कोई भी एक एवरेज बच्चा आराम से कर सकता था राइट right? कल के थर्ड शिफ्ट में कुछ करंट अफेयर्स के ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा बट इसके अलावा आपके ओवरऑल सारे शिफ्ट में जीएस बस ई वुड नॉट इवन से दो क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के थे राइट right? इसके अलावा आप लोग सभी लोग ट्वेंटी प्लस आराम से ला सकते हो जहां पर आपका मार्क्स जो है फोर्टी प्लस आराम से आ जाएगा दिस इज द यू कैन से मिनिमम विथ एवरीबडी कैन डू दिस अगर अभी तक आप कंफ्यूज हो ये नहीं बन रहा है फॉर सम रीजन देन प्लीज अगर एक चीज आपको अभी समय के हिसाब से देखना है सारे रिव्यूज को आप यहाँ पे जरूर देख लो सारे एनालिसिस सेशंस को सारे एनालिसिस सेशंस को आप जरूर देख लो अलग अलग देखने का जरूरत नहीं है दिन के एंड में जो कंबाइंड सेशन आता है ना सीजीएल के लिए हर दिन, हर दिन दिन के एंड में फ्रॉम थ्री टू नाइन्थ कंप्लीट सीजीएल एनालिसिस मैंने आपको यहाँ पे नाइन्थ को प्रोवाइड किया था इलेवन पी इस सेशन को जरूर देख लेना और अभी डेली बेसिस में सिर्फ सिर्फ मैं एक सेशन आपको प्रोवाइड करूंगी दैट इज गोइंग टू बी एट सेवन पी एम कंबाइंड शिफ्ट of combined analysis of all the three shifts okay so see you guys for tomorrow all the best for your examinations continue the प्रैक्टिस कंटिन्यू द प्रिपेरेशन कीप रिवाइजिंग डो नॉट वरी जी एस बढ़िया था आप लोग आराम से कर लोगे थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइफ इन दिस सेशन टेक केयर एंड डू नॉट फॉर टू डाउनलोड द पी डी एफ फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल ऑफ अन एकेडमी इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन जहां पर आप जीएस इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग सब कुछ प्री मेन्स एस एस सी सीजीएल सी एच एस एल ऑल इंक्लूसिव वन सब्सक्रिप्शन देन प्लीज यूज माई कोट अंतरा टेंट टू गेट एन इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट थैंक यू सो मच एवरी वन टेक केयर एंड हैव अ गुड नाइट बाय बाय